आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो मैं आपको बेसिक से लेके बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड में देखो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ लगती है। इसको आपको एक पीवीसी बोर्ड लगता है। ये पीवीसी बोर्ड में जो ये कटिंग्स होती है दोस्तों, ये पहले कंपनी की तरफ से की जाती है और आपको जिस हिसाब से लगती है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। तो दोस्तों देखो, अगर आप पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं दोस्तों सॉकेट और इसे कहते हैं स्विच। तो आ जाते हैं सॉकेट के बैक साइड पर। यहाँ पे सॉकेट पर एल, यानी यहाँ पे एल होता है और यहाँ पे राइट साइड मतलब ऐसे जो बैक साइड से पकड़ने के बाद लेफ्ट साइड एल, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाती है। और एन ये साइड होती है, इसको निगेटिव कहा जाता है। तो ये इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ लगाना है। तो चलो दोस्तों इसकी बेसिक फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये सॉकेट से इसको जो बड़ा स्लॉट है उसके अंदर हमको डालना है। तो पहले देख लेना सॉकेट लगाते समय, देख लेना कि जो कंपनी के नाम होते हैं हमेशा ऊपर के साइड होने चाहिए। कभी कभी देखो दोस्तों कंपनी के ऐसे जो फिटिंग होती है उसमें अगर कभी कभी परफेक्ट नहीं होती है तो हमको थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, ज़्यादा जोर से नहीं करना है, एकदम मामूली से प्रेस करना है तो लग जाते। तो इसी से देखो आगे ये सॉकेट हमने डाल दिया इसके ऊपर और इसके ये सॉकेट्स और ये स्विचेस के साथ उसके अंदर ही हमको नट बोल्ट्स मिलते हैं इसके। तो देखो दोस्तों अभी इसको एक आइडिया बताता हूँ। आप इसको अगर वो दूसरे साइड से इसको कसना है तो, लेकिन आप उसको अगर यहाँ पे उंगली नहीं लगाओगे तो ये गिर जाएगा। तो एक काफ़ी आसान तरीका है कि आप इसको यहाँ से ऐसे उंगली लगाकर इसको ऐसे पीछे रख सकते हैं, उस हिसाब से ऐसे टाइट कर लेना है। पहले हल्का सा टाइट कर लेना है सारा। तो दोस्तों देखो सारे बटन्स और जो सारे स्विच और सॉकेट लगाने के बाद बोर्ड इस तरह से दिखता है। तो अभी समय आता है इसकी वायरिंग करने का दोस्तों, जो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण काम है। तो दोस्तों तो अभी ये हमको ये सॉकेट और ये स्विच कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको इसको अभी ये जो रेड है देखो, रेड वाली मेरी इसमें पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे देखो ये खुला नहीं होगा स्क्रू तो इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए। एक इसकी फेस की वायर हमको पॉजिटिव की वायर हमने यहाँ पे लगा दी। तो अभी दोस्तों इस वाले को भी हम वैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों स्विच और सॉकेट्स के जो पॉजिटिव जो वायर्स थी हमने उसको लगा दिए। अभी वक्त आता है निगेटिव वायर लगाने का। जो हम निगेटिव वायर है जो दो सॉकेट को दे देंगे, तो इसके लिए देखो मैंने इसको मेरे बोर्ड में रेड वायर पॉजिटिव है, ब्लू वायर निगेटिव है और अर्थिंग की वायर जो होगी ग्रीन होगी। तो इसको भी अच्छे से कसना है। देखो अभी आप ये जो दो वायर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये निगेटिव है जो मेरी ये बाहर से वायर आने वाली है, तो ये दोनों को इसमें हमको देना है। तो इसके लिए मैंने इसको कॉमन कर लिया। इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों अभी ये जो बोर्ड में हमने क्या क्या किया है, तो दोस्तों देखो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाहर से जो पॉजिटिव वायर आ रही है बोर्ड को जान करंट सप्लाई देने के लिए, तो अब उसकी बारी। तो देखो यहाँ पे मैं इसको ये स्विच के नीचे वाले हिस्से को लगा रहा हूँ एक,
और ये देखो दोस्तों, अभी मुझे ये दूसरे सॉकेट स्विच को भी लगाना है, तो इसको मैंने दो, ये जो अभी ये जो आउट मेरी जो बाहर से आने वाली वायर है इनपुट वाली, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ ये स्विच को भी। देखो तो इस तरह से हमने जो वायरिंग तो की अभी, लेकिन ये हमको इसको अच्छे से सेट करना है बोर्ड में, तो यहाँ से अच्छे से इसको दबा लेना है जैसे। अच्छी तरह से हमने इसको दबा लिया है यहाँ पे, तो देखो अभी ये जो दो वायर से ये यहाँ से इनपुट आ रहा है, तो अभी ये काम कैसे करेगा बता रहा हूँ। ये जो ये वायर, ये ब्लू वायर जो है, जो जो निगेटिव है और रेड वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से सप्लाई आया स्विच के अंदर आया, ये दोनों स्विच कंबाइन किए, मतलब दोनों बाजू जो हमारे पॉजिटिव करंट है, तो जब बटन ऑन करेंगे बंदे, तो यहाँ से जो सप्लाई है यहाँ से और बटन ऑन करने के बाद यहाँ पे जाएगा, तो ये मतलब ये सॉकेट में जाएगा, तो उसके बाद आप वहाँ से चार्जर या कुछ भी लगा के उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जो ब्लू वायर है ये और निगेटिव वायर है, तो दोनों एन को हमने इसको जोड़ लिए, तो इस तरह हमारा ये बोर्ड तो हो गया है रेडी, तो अभी हम इसको टेस्ट करके बताएंगे तो उस, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपके पास अर्थिंग हो घर पे, तो आपको बोर्ड को अर्थिंग देने बहुत ज़रूरी है, तो अर्थिंग दोस्तों देखो कहाँ पे, जो ऊपर का जो सॉकेट होता है यहाँ पे अर्थिंग देनी है हमको, तो देखो ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए यूज़ की गई है। देखो दोस्तों, सॉकेट के यहाँ पे हमने ऊपर साइड में, ऊपर की इसमें अर्थिंग एक यहाँ पे लगा दी और ये साइड को भी लगा रहे, तो अगर वायर के नोक नोक नहीं होगा तो इसको ऐसे से दबा ले। टाइट हो, तो देखो अभी दोस्तों ये जो बोर्ड हमारा रेडी हो गया है, ग्रीन वायर है अर्थिंग, ब्लू वायर है निगेटिव, रेड वायर है पॉजिटिव, तो अभी इसको मैं पैक करता हूँ और इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों अभी इसको टेस्ट करते हैं, अभी बटन बंद है तो देखो सप्लाई भी उसमें टेस्टर में सप्लाई बंद है, अभी बटन चालू करने के बाद देखो, देखो टेस्टर में लाइट जल रही है, इसका मतलब ये बोर्ड सही है। अभी ये साइड का भी चेक करते, बटन बंद है, सप्लाई कट है, बटन अभी चालू करते हैं तो उस टेस्टर में लाइट जल गई, तो इस प्रकार से हमारा जो बोर्ड है काफ़ी एकदम सही तरीके से बना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बोर्ड आपको सही तरीके से बना के दिखाया और टेस्ट कर भी दिखाया, अपना बोर्ड जो था उसने इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट जो थी पास कर लिए, तो अभी इसको देखो क्या करना है आपको, अगर ये बोर्ड बनने के बाद जो साइड से लेना है वो साइड को आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा, उसको होल करना पड़ेगा, और ये सारी वायर ये साइड से लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये साइड से लेना है तो ये साइड से ले सकते हो आप, या नीचे से लें तो नीचे से या ऊपर से। बोर्ड जो होता है इसको चारों तरफ चारों साइड से आप कहीं से भी वायर ले सकते हो, क्योंकि कई कई जगह पर आपको ऊपर से कनेक्शन आते हैं, कई की साइड से आते हैं, तो उस प्रकार से आपको इसको करना है। आपके फ़ोन चार्ज या कुछ भी, आप इसके ऊपर फ़ैन चला सकते हो, फ़ोन चार्ज कुछ भी कर सकते हो। तो दूसरी बात है, मुझे था ये लाइट वर्क के लिए, इसके लिए मैंने इसमें 118 की जो 1/18 की वायर बोलते हैं उसको वो यूज़ की है। अगर आपको कुछ हेवी काम होगा तो आप उसको 2.5 mm 2.5 mm की वायर लीजिए, अगर ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा तो 1.5 mm की वायर लीजिए, वायर अपने के आपके हिसाब से ले सकते हो। तो 1.5 mm की वायर भी काफ़ी अच्छी होती है, अगर आपको इसके ऊपर चार्जिंग या फ़ैन या कुछ चलाने हो, अगर आपको इसके ऊपर कुछ थोड़ा हेवी चलाना है टीवी या कुछ, तो आप उसको 2.5 mm की भी वायर ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, मैंने इसमें सारे के सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश तो पूरी तरह से की है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा फिर से एक बार। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो कीजिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो बोर्ड बनाना है तो काफ़ी आसान, लेकिन कभी इमरजेंसी में बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल ना हो तो हमें इसके लिए वेट करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है,
ये जो बोर्ड है आपको आप अपने आप ही बना सकते हो। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे तो मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है आपको, क्योंकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।